चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ACR 2 की। तो ACR 2 से पहले सबसे पहले हम इसको ना हिस्ट्री पे थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे करके क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर जो सीन था वो ये था कि ACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो यहाँ पर से आप नोट कर लेना। इसकी होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये यहाँ पर 1961 में क्या हुआ था। एक्चुअल में देखो पहले से ही ये चल रहा था कि भाई हम किसी भी जो हमारे लाइब्रेरी के अंदर जो हमारे बुक्स होंगी उनको कैटलॉग किस तरीके से बनाएंगे। कुछ रूल्स तो चाहिए होंगे ना, तो कुछ रूल्स चाहिए होंगे उसके रिगार्डिंग में 1960 में यहाँ पर देखो सारी डेट वगैरह मैं लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी उसमें नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। ये एक्चुअल में कंपटीशन में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पूछ सकते हैं आपके। इस टाइम पे अगर प्रैक्टिकल की बात हो रही है तो प्रैक्टिकल में तो इतना ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। हाँ, जब वाइवा लेंगे तो मैं भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस कि कहाँ से किस तरीके से हुआ, है ना। तो ये जो है सर मोस्टली सर जो तो 1960 में हमारे सेमोर लुविट्सकी नाम के एक थे लाइब्रेरी साइंस में वर्किंग प्रोफेशनल, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था कोड ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है, ऑथर एंड टाइटल एंट्री। और उन्होंने इस बुक में ये बताया था कि किसी भी बुक के अगर कैटलॉग बनाएंगे हम, तो जो कैटलॉग हम बनाएंगे बुक का, ठीक है, तो उसको ऑथर और टाइटल की एंट्री के थ्रू किस तरीके से बना सकते हैं। अब तुम सोच रहे होगे बार बार के सर कैटलॉगिंग कैटलॉगिंग बोल रहे हैं, व्हाट इज कैटलॉग। तो सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई कैटलॉग होता क्या है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, कुछ बता पाएंगे कि भाई क्या चीज है आखिर। तो मैं बिल्कुल शुरुआत से समझा रहा हूँ आपके लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये सपोज करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपको खाना खाना है और आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पर क्या होता है, आप वहां पर देखोगे कि वहां पर जो वेटर होता है वो आपके लिए एक मेन्यू लेके आएगा, या फिर वहां पर मेन्यू रखे होंगे। वो मेन्यू क्या होता है, वो मेन्यू बता रहा होता है ना, द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल इन दी रेस्टोरेंट। सो सेम यहाँ पर कैटलॉग का काम होता है। कैटलॉग का मतलब भी ये होता है कि लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अवर लाइब्रेरी। तो बुक तो नहीं, बुक का मतलब है लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कितने सारे रिसोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारी लाइब्रेरी के अंदर। वो सारे की लिस्ट जितनी भी होती है ना, जितने भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं जो भी हमारी लाइब्रेरी के अंदर हैं, तो उस चीज के लिए, ठीक है, उस चीज के लिए हम बोलते हैं, उसकी जो लिस्ट होती है हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम सूची बोल सकते हैं, है ना, तो ये लिस्ट होती है, उस लिस्ट के लिए हम बोलते हैं कैटलॉग, ठीक है। और बात ये आती है कि ये जो कैटलॉग है ये तो हमें समझ आ गया कि बुक्स अवेलेबल या हम बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सोर्स अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी, बट इनको भी अरेंज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। क्योंकि बुक्स ऐसा तो है नहीं चार पांच आठ दस जो भी हैं और हमने कर दी, काफी सारी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं। तो अब इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूल्स बन रहे थे। तो यहाँ पर 1960 के अंदर एक हमारे वर्किंग प्रोफेशनल थे जिनका नाम था हमारा सेमोर, में लिख देता हूँ, ठीक है, सेमोर लुविट्सकी। इन्होंने एक बुक पब्लिश की, उस बुक का नाम था कोड ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स, ठीक है, कोड ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री। एंड टाइटल
ऑथर एंड टाइटल एंट्री, ठीक है। ये उस बुक का पूरा नाम था एंड अनफिनिश्ड ड्राफ्ट, मतलब कि वो पूरे तरीके से नहीं थी, ये उस बुक का पूरा नाम था। तो ये सारा आप लोग नोट डाउन करते चले। तो 1960 में जो थे हमारे सेमोर लुविट्सकी साहब ने जो है एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एक बुक दे दी उन्होंने, और उस बुक का नाम था कोड ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स ऑथर एंड टाइटल एंट्री एंड अनफिनिश्ड ड्राफ्ट। अब इसके इसके रूल्स पर बेस्ड जो हमारे एसीआर जो हमारा बना है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, उस जो ये इन्होंने बुक बनाई थी, ये जो इन्होंने बुक बनाई थी ना, इसी पे आधारित है, ठीक है, इसी पे बेस बनाया गया है। इसीलिए एसीआर को बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो सैमुअल लुविट्सकी के लिए जाता है, ठीक है। और तभी 1961 में, ठीक है, मैं से मिटा रहा हूँ, ठीक है, लिखते रहना भाई साथ के साथ, साथ के साथ। 1961 में इसकी हिस्ट्री समझो कैसे करके हुई शुरुआत। 1961 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, किसके अंदर, कहाँ पर होती है कॉन्फ्रेंस? वो कॉन्फ्रेंस होती है हमारी पेरिस के अंदर। क्या नाम होता है कॉन्फ्रेंस का? कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ठीक है, उसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, ये नाम था। और उसके अंदर टोटल 12 प्रिंसिपल दिए गए, 12 प्रिंसिपल दिए गए, ठीक है, किससे रिलेटेड? कैटलॉगिंग रूल से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या हुआ, एसीआर की शुरुआत होनी शुरू हुई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 1967 के अंदर यहाँ पर स्टार्ट हुई, यहाँ से सारा हुआ जो भी कुछ था, प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस इसका हमारा नाम था। और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, 1967 में इन्होंने एसीआर के रूल्स को बताया। तो सबसे पहला जो इसका वर्जन है वो आया था 1967 में, 1967 में हमारा एएसीआर आया। और वो एएसीआर किसने डेवलप किया था, वो यहाँ पर मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लाइब्रेरी एसोसिएशन थे उन्होंने डेवलप किया था, जैसे कि हमारा था ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके बाद हो गया हमारा CLA, ठीक है, कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और हमारा था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और हमारे यूरोपियन और भी एसोसिएशन थी, ऐसा नहीं है कि ये ही थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन भी थी जैसे कि उसके साथ में, ठीक है। और ये इस एसीआर को जो किया गया हमारे सामने प्रस्तुत, वो दो वर्जन में किया गया था। नंबर एक वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो इसे प्रस्तुत किया गया था नॉर्थ अमेरिकन टैक्स के अंदर, और दूसरा किया गया था ब्रिटिश टैक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसे किया गया था हमारे को नॉर्थ अमेरिकन अमेरिकन टैक्स के अंदर, ठीक है, और इसे किया गया था ब्रिटिश टैक्स के अंदर। ये दो वर्जन थे इसके, एसीआर टू के हमारे वर्जन थे, ठीक है, ये हमारे एसीआर टू के वर्जन थे। इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी, है ना, चलिए।